देश भर के छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसके तहत बैकुंठपुर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में जिले के विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्रा शामिल हुए। बता दें कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के नाम से होने वाले तनाव से उबरने और स्वस्थ तन मन रखने के कई टिप्स दिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से कहा कि प्रेशर खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, जितना लक्ष्य तय कर सकें उतना ही प्रयास करना चाहिए और इसके लिए माता पिता शिक्षकों को भी मदद करनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी की परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम को सुनकर बैकुंठपुर गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम के जरिए मिले टिप्स से संतुष्ट दिखे और मीडिया से अपनी बात रखी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां प्रसारण छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए लाभकारी होगा। अभी जैसा हम जानते हैं कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का तिथि घोषित हो चुकी है और बच्चों को पढ़ाई का समय है। ऐसे समय परीक्षा का दबाव ना लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि संतुलित जीवन अपनाएं, परीक्षा की परीक्षा ले लें और चुनौती को चुनौतियां दें। परीक्षा पे चर्चा विषय से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिली है, हमें ये शक्ति मिली है कि हम कैसे एग्जाम हॉल में बिना डरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर उसे सॉल्व कर सकते हैं और कभी भी हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी तैयारी अच्छी है तो निश्चित ही हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। तनाव की स्थिति तभी बनती है जब हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें हमेशा धीरे धीरे तैयारी करती रहनी चाहिए ताकि हमारे माइंड में उसका प्रेशर ना बनने पाए। परीक्षा पे चर्चा को लेकर बहुत अच्छा प्रोत्साहित मिला, बहुत से बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी फील करते हैं तो हम इस परीक्षा पे चर्चे से हम बहुत अच्छा फील करेंगे, जिस हम परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। I have learned many things about that. Our honorable Prime Minister sir say us that we always have to be confident while writing the examination, while giving the examination. And I get an opinion about our school is that while giving the examination in the school, I'm very glad to know from our honorable Prime Minister sir that we have to be confident, we have to be very healthy. And while he also says that healthy mind and healthy exercises can make your studies better, and you always have to be confident with the positive attitude and be unstoppable while you are studying and while you are practicing for your future.